जन शिक्षा केंद्र ब्रजपुर के ग्राम पंचायत रमखिरिया में राजापुर प्राथमिक शाला राजापुर के विद्यालय में पीएचई के द्वारा डाली गई घटिया सामग्री, हमारी खबरों का असर कि वह घटिया सामग्री निकालकर पुनः हैंडपंप चालू किया गया पर छात्र छात्राओं को फिर भी पानी की समस्याएं खड़ी। हैंडपंप चालू करने के बाद भी लाल पानी देखा गया जिससे कि विद्यालय में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाने से देखिए आप कैसी टोंटी टूटी हुई पड़ी हुई हैं, मोटर खराब पड़ी हुई है। देखिए सुनते हैं शिक्षक के साथ व्यवस्था थी और क्या हुआ। भाई साहब ये था कि हैंडपंप पहले से था और उसके बाद शासन की योजना अनुसार उनने मोटर डाल दिया उसी में, तो मोटर तो स्टार्ट शुरू में भी नहीं किया उनने क्योंकि यहाँ लाइट भी नहीं थी, तो बोले लाइट आने के बाद हम उसको स्टार्ट करके वो कर देंगे बाद में, अभी लगा लेने दो हमें, तो लगा के चले गए थे। अभी ये हुआ कि मोटर भी नहीं चल रहा था, वो हैंडपम्प भी ख़राब हो गया था, दोनों बंद थे, तो हमने पीएचई के लिए एक दो बार फ़ोन से विभाग में बात की और उनसे कंप्लेंट कराई, तो काफ़ी दिन बाद मिस्त्री आया था कल पता नहीं गाड़ी आड़ी लेके और साहब ने भेजा होगा, तो वो हैंडपंप के पाइप निकाले और साथ में मोटर निकाला उनने, पूरा रोल मोटर का और पाइप हैंडपंप के सारी चीज़ें निकाल के बाहर किया और मोटर बाहर निकाल के अलग करके रख गए हैं क्योंकि वह चला ही नहीं है, शुरू से नहीं चला है और बंद ही पड़ा था जिसकी वजह से ना हैंडपंप ठीक से चल पा रहा था और इस कारण से वो निकाल के रख गए हैं, शाला में ही अभी रखा है मोटर उसका। मतलब अब हैंडपंप पुनः चालू कर दें। हाँ हैंडपंप फिर से उनने जो है नया सिलेंडर डाला है, जो पहले पतला वाला डला था जो तो काम नहीं कर रहा था, खुल गया था, वहाँ से पाइप भी कई जगह से लीकेज थे और जंग खा गए थे, ख़राब हो गए थे। तो अभी जो है उन्होंने हैंडपंप चालू कर दिया है, पानी स्वच्छ आने लगा है। और आपका नाम? जी मेरा नाम सुग्रीव कुमार अहिरवार, प्रभारी प्रधानाध्यापक टीएस राजापुर।